देखिए परम आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से हमारा संबंध, जब चिराग पैदा नहीं हुआ था तब से हमारा संबंध है। आप तो मिलने के बाद तो छोड़ दीजिए, मुझे ये धमकी दिया जा रहा है कि दिल्ली आओगे तब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। आप टेलीफोन से लोग बात नहीं करवाता है तो एक बताइए कि एक बेटी का क्या दोष है। आदरणीय रामविलास पासवान जी से हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन पारिवारिक मनभेद नहीं है। कि आदरणीय पासवान जी से हम लोग को मिलने दिया जाए, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ ये लोग दोनों शक के घेरे में हैं, बेटी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं हमें मिलने दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आज हमारे साथ मौजूद है SC ST प्रकोष्ठ के राजद के प्रदेश अध्यक्ष। आज हम उनसे जानेंगे तमाम सारी जो राजनीति चल रही है महागठबंधन के बीच और NDA के बीच। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। अनिल कुमार साधु जी का स्वागत है आपका। तो मैं सबसे पहले मेरा सवाल ये रहा कि पासवान जी का तबीयत खराब है और उनकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये दुख की घड़ी में हम लोग सब परिवार परम आदरणीय रामविलास पासवान जी के सेहत के लिए हम लोग चिंता में हैं। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय पासवान जी एक देश का नेता हैं और दलित के बहुत बड़े चेहरा हैं, और हम लोग अगर ये ईश्वर से बात प्रार्थना करते हैं कुछ जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और देश के लोगों के साथ, बिहार की जनता के साथ और परिजन के बीच वो स्वस्थ होकर वो आवे। तो इन्होंने जैसे बताया कि इनकी बेटी से मिलने नहीं दे, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं LJP के चिराग पासवान, उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत को लेकर के कि वो देश की बेटी हैं, क्या उनकी बेटी को उनके बाप से मिलने का अधिकार, उनके पिता से मिलने का अधिकार नहीं है? वो देश की उनको बेटी नहीं मानते हैं क्या, जो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, जिस आदरणीय रामविलास जी का जब तबीयत खराब हुआ तो हम लोगों ने दिल्ली बात करना चाह रहे थे और 20 तारीख को हमने टेलीफोन किया अपने सासू माँ के मोबाइल पर, उन्होंने हमारा मोबाइल को रिसीव नहीं किए। और दूसरे दिन हम लोगों ने अपने मैं और मेरी धर्मपत्नी आशा पासवान जी का प्रोग्राम दिल्ली जाने को बना, लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी और उनके माँ श्रीमती रीना पासवान जी का एक हमारे निकटतम परिजन के पास कॉल आता है कि उन साधु को और आशा को रोक दिया जाए, दिल्ली नहीं आने दिया जाए। तो मैं ये दोनों व्यक्ति से मेरा पहला सवाल है कि एक तरफ चिराग जी कहते हैं कंगना रनौत देश की बेटी है और देश की बहन है, मैं चिराग जी से और चिराग जी के माँ से रीना पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या परिस्थिति आई, क्या कारण है कि हमें और हमारी धर्मपत्नी आशा पासवान को एक बीमार पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा है? आप राजनीतिक इतिहास उठा के देखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशी राम जी के भी साथ यही हुआ था, जो शक मुझे है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय पासवान जी से हम लोग को मिलने दिया जाए, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ ये लोग दोनों शक के घेरे में हैं, बेटी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं हमें मिलने दिया जाए।
एक और सवाल है साधु जी कि आप तो पारिवारिक आदमी हैं, उनके दामाद हैं, तो जितना दिन से उनका तबीयत खराब है, कितने बार उनकी बेटी को और उनके दामाद को मिलने दिया गया, फिर अभी तक आपने मिला नहीं है? आप तो मिलने के बाद तो छोड़ दीजिए, मुझे ये धमकी दिया जा रहा है कि दिल्ली आओगे तब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। आप टेलीफोन से लोग बात नहीं करवाता है, तो एक बताइए कि एक बेटी का क्या दोष है? आदरणीय रामविलास पासवान जी से हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मनभेद नहीं है। आदरणीय रामविलास पासवान एक हमारे आदर्श हैं और हमारे अभिभावक भी हैं। हम लोग, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जो व्यक्ति जीवन और जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, ऐसे व्यक्ति से उनके खास परिजन के द्वारा मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे ना और हमारे धर्म पत्नी को मिलने से रोका जा रहा है। मैं तो मांग करता हूँ उस देश के प्रधानमंत्री जी से कम आप हम लोगों को उनसे, आदरणीय रामविलास पासवान जी से मिलवाने का कष्ट करें। जैसे कि आपने देखा कि अभी साधु जी ने बताया कि पारिवारिक मतभेद को राजनीतिक मतभेद के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक बात कहा जाता है कि राजनीतिक मतभेद को परिवार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, तो साधु जी पूछते हैं ऐसा क्या कारण रहा जो राजनीतिक मतभेद को परिवार के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसा क्या वजह रहा जो चिराग पासवान जी आपको दिल्ली नहीं आने की धमकी दे रहे हैं और बोलने का अगर आप दिल्ली आए तो देख लेंगे? देखिए, परम आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से हमारा संबंध, जब चिराग पैदा नहीं हुआ था तब से हमारा संबंध है, 67 से हमारा पारिवारिक संबंध है रामविलास पासवान जी से। चिराग तो ये क्या जानेगा खून का रिश्ता और पारिवारिक संबंध है, इनको तो अभी तो ABCD तो ये जानते नहीं है, तो पारिवारिक रिश्ता और बेटा और बेटी और बाप का रिश्ता, इनको क्या फर्क होगा? मैं सुन लीजिए, ये हमारा ये टिकट है, ये टिकट है दिल्ली जाने का। गो ईयर देखिए, ऊपर में अनिल कुमार लिखा हुआ, नीचे मेरी मिसेज का नाम है आशा राय उर्फ आशा पासवान, और मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे और हमारी धर्म पत्नी को टॉर्चर किया गया चिराग पासवान की मम्मी माँ के द्वारा कि आप आओगे तब यहाँ हंगामा खड़ा करेंगे। किस चीज का? मैं उनसे संपत्ति मांगने जा रहा हूँ क्या? एक बेटी को अपने बाप से मिलने का हक नहीं है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक बेटी हो या बेटा का अधिकार समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ये लोग, ये चिराग पासवान उनकी माँ नहीं भूले, ये न्यायालय का मान्य न्यायालय का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि जितना बेटी का अधिकार है उतना बेटा का अधिकार है। और आपके चैनल के माध्यम से जो आशा पासवान है, रामविलास पासवान जी की ओरिजिनल वारिस है, मैं चैलेंज के साथ मैं कहता हूं ओरिजिनल वारिस है, और एक माँ एक बेटी को टॉर्चर किया जाता है। इसके बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैं जनता के बीच जाऊंगा, मैं जनता से मैं न्याय मांगूंगा। हाँ, ये आदरणीय पासवान जी हमारे आदर्श हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं। सबसे पहले मैं अभी कोई राजनीतिक मैं नहीं करना चाहता, चिराग जैसा चिराग पासवान जी के पर यदि अपने पिता की चिंता होता राज, वो 147 लड़ेंगे बिहार में कि मैं फल्ला जगह से लड़ूंगा। चिराग जी को पिता की चिंता नहीं है, उन्हें अपने सीट की चिंता है, और हमें चुनाव सीट से मैं अभी नहीं है चिंता, हमें चिंता है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी सुखी खुश होकर स्वस्थ होकर हमारे बीच हमारे परिजन के बीच आ गए। कुछ आप कानूनी कार्रवाई कीजिएगा फिर जनता के बीच जाकर के? वो जनता मालिक, जनता सब समझ रही है, जनता चिराग पासवान जो और उनके माँ जो हम लोग सतेला बुझ रही हैं, हम लोग सतेला वारिस नहीं है,
आशा पासवान सतेली वारिस नहीं है, आशा पासवान पहली पत्नी की बेटी है, पहला अधिकार आशा पासवान का है आदरणीय रामविलास पासवान पर। और ज्यादा हम लोग को ज्यादा भय दिखाने का ये नहीं करें, हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है साधु जी, अब माहौल भी गर्म हो चुका परिवार के, अब राजनीति पे आते हैं, परिवार को अब मुद्दा छोड़ करके अब राजनीति पे आते हैं। राजनीति की अगर बात करें तो आरजेडी में अभी तक सीट को लेकर के क्या क्या बंटवारा, क्या क्या प्लान बना है, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आज हमारे दुख की घड़ी है, हमारे एक अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, इसलिए मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। यदि चर्चा ही करना है तो चिराग से पूछिए, क्योंकि उन्हें पिता की चिंता नहीं, उन्हें सबसे ज्यादा चिंता है राजनीतिक का। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि साधु जी ने साफ साफ कहा कि चिराग पासवान पे आरोप लगाया कि अगर वो दिल्ली जाते, साधु जी अगर दिल्ली जाते तो उनको देख लेंगे, क्या ये पारिवारिक मामला राजनीतिक मामला में फंसता जा रहा है, ऐसा क्या होना सही बात है? क्या इस तरह के साथ साधु जी के साथ करना गलत नहीं है? चिराग पासवान अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको सोचना होगा, क्या राजनीतिक मुद्दा को पारिवारिक मुद्दा नहीं बना सकते हैं आप? जो जिसका बेटी का अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए, जैसे कि साधु जी ने बताया सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बेटी और बाप बेटा का अधिकार दोनों है। कुछ दिन पहले ही एक लॉ में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितना बेटा का जमीन में अधिकार है उतना बेटी का ही है, तो इस तरह करना चिराग जी आपके लिए सही नहीं है। जनता देख रही है इस बार चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पारिवारिक मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा को ना मिलाए। तो अब अलविदा लेते हैं इसी के साथ ही, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। अगर अभी तक आपने भारत लाइव के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।